हेलो गाइस, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। माय सेल्फ मोहम्मद अदनान। हम लोग परसेंटेज का सीरीज देख रहे थे और परसेंटेज में पार्ट वन और पार्ट टू देख चुके हैं। आज चलेगा अपना पार्ट थ्री। जिन लोगों ने अगर ये वीडियो जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो लोग जाके पहले पार्ट वन और टू देखें, उसके बाद चीजें समझ में आएंगी। पार्ट वन और टू में सिर्फ और सिर्फ मैंने कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है, सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज का मैंने रोल बताया कि परसेंटेज कैसे वर्क करता है। तो जो लोग थोड़ा सा उनको बेसिक तरीके से कोई भी चीज चाहिए, अगर परसेंटेज रियल में आपको समझना है तो आप पहले पार्ट वन और पार्ट टू देखें, उसके बाद पार्ट थ्री देखने की कोशिश करें तो ज्यादा अच्छा होगा। बाकी जो लोग थोड़ा सा जो लोग स्ट्रांग है, मैं परसेंटेज उनका अच्छा है, तो आप यहाँ से ये वीडियो देख सकते हैं। असल परसेंटेज की वीडियो यहीं से शुरू होगी और जिनको बेसिक क्लियर करना है वो पार्ट वन और पार्ट टू से क्लियर करें, उसके बाद पार्ट टू क्लियर, पार्ट थ्री आपको समझ में आएगी। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और परसेंटेज में मैंने एक बात आपको बताई थी। सबसे पहले परसेंटेज हर चीज अपने आप में 100% यानी कि 100% पे चलता है। दूसरी चीज, कभी भी परसेंटेज निकालते हैं हम लोग हैं तो ऐसे निकालते हैं कितना पाया उसको ऊपर रखते हैं, कितने में से पाया उसको नीचे रखते हैं और 100 से मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कर देते हैं। तीसरी चीज जो इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि कभी भी परसेंटेज निकालना हो तो उसमें हम लोगों को जो ध्यान देने होता है, जो ध्यान देने की बात होती है वो ये होती है कि उसका बेस क्या है परसेंटेज निकालने में। आज की जो वीडियो होगी सब बेस पे चलने वाली है, सारी चीजें बेस पे होंगी। हर चीज बेस आप समझ जाओगे तभी परसेंटेज में आगे आप सवालों को कर पाओगे, क्योंकि जनरली परसेंटेज के सवाल आपको आते हैं लेकिन गलत इस वजह से हो जाते हैं कि आप बेस गलत रख देते हो, तो परसेंटेज की वैल्यू कहीं से कुछ और आ जाती है। जैसे आज की हेडिंग लगा लें आप लोग कि खपत पर आधारित प्रश्न, आज की हेडिंग लगा लें आपको खपत पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंजम्पशन। खपत पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब क्या है पहले उसके बेसिक क्वेश्चंस को हम लोग समझेंगे। जैसे आपने जनरली ये क्वेश्चन देखा होगा कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से एक गृहिणी अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दे जिससे आपका खर्च समान रहे। तो इस तरीके गृहिणी का मतलब हाउस वाइफ होता है। या फिर इस सवाल को ऐसे भी बोल सकता है कि ये सवाल किस किस पैटर्न पे आ सकते हैं, वो सारी चीजें मैं पहले बता दे रहा हूं ताकि आपको किसी भी तरीके का आगे डाउट ना हो। सवाल ये भी हो सकता है कि अगर चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो गई तो अपनी खपत में कितने प्रतिशत कमी करना होगा जिससे मेरा खर्च समान रहे। और सवाल ये भी हो सकता है कि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि हो गई तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी कर दें जिससे उसका क्षेत्रफल समान रहे। तो ये सवाल ऐसे कुछ भी पूछ सकता है, इस तरह के जितने भी होते हैं कंजम्पशन के रिलेटेड सवाल, ये सारे के सारे सवाल एक ही होते हैं। इसको समझने की बात बस है, जैसे ऐसे क्वेश्चन को करने में मैं पहले आपको बेसिक चीजें समझा दे रहा हूँ, फिर उसके फॉर्मूले भी बताऊंगा और उसको करते कैसे ये भी बताऊंगा, लेकिन पहले आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश किया करो। जैसे अगर मैं कहूं कि चीनी के मूल्य में, मैं ये क्वेश्चन यहां पे लिख दे रहा हूं पहले, क्वेश्चन नंबर एक, इसका आंसर आपको याद भी हो गया होगा कि क्वेश्चन क्या है। जैसे मैं चीनी मान ले रहा हूं, चीनी के मूल्य में मान लेता हूं 25% की वृद्धि हो जाने से एक गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दे। ये भी बोल सकता है गृहिणी मतलब हाउस वाइफ, लेकिन मैं शॉर्ट कर रहा हूं क्वेश्चन को, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने से खपत को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए, कम कर दिया जाए जिससे खर्च समान रहे। जैसे लैंग्वेज पर देखें, इफ द प्राइस ऑफ सुगर इज इंक्रीज बाय 25%, देन हाउ मच परसेंट वी रिड्यूस आवर कंजम्पशन टू अनचेंज और कह सकते हैं इसको खर्चों कहते हैं एक्सपेंसेस, ठीक है। तो इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश किया करें। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने से खपत को कितने प्रतिशत की कमी कर दिया जाए या कम कर दिया जाए जिससे आपका खर्च समान रहे। तो
ऐसे क्वेश्चन में एक चीज तो समझ में आती होगी, जैसे मैं आपसे अगर एक सवाल पूछता हूँ किसी संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए, कोई एक संख्या है अगर यहाँ से मैं 25% की इसमें वृद्धि कर देता हूँ तो संख्या थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, इससे बड़ी हो जाएगी। फिर आपसे पूछता हूँ कि अगर फिर से वापस इस संख्या में मुझे आना है तो कितने प्रतिशत कम करना होगा, तो डेफिनेटली आपका आंसर होगा यहाँ से भी 25% कम कर दो, इस संख्या पे आ जाएंगे, जो कि सवाल का जवाब बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर कोई संख्या है उसमें 25% की वृद्धि करोगे तो संख्या थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, और वहां से अगर फिर से 25% की कमी करोगे तो यहाँ पे इस संख्या पे नहीं आएंगे, यहाँ पे बेस ये था यहाँ पे बेस ये है, तो दोनों के परसेंटेज में जरूर चेंज होगा। यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी भी परसेंटेज है तो इसमें बेस बहुत मैटर करेगा। चलिए इसको बताते हैं। जैसे ऐसे क्वेश्चन में ना, मैं कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ तो मैं हमेशा 100 रुपए मान लेता हूँ। आप कहना तो मैं 1 रुपए मान के, 2 रुपए मान के, 50, 200, 1000 मान के ही करूंगा, लेकिन मैं कहता हूं कि आप 100 मानोगे ना तो 100 में एक खास बात होती है कि आपको परसेंटेज निकालना नहीं पड़ता, तो परसेंटेज ही वो वैल्यू होती है, 100 पे ही निकाली हुई चीज परसेंटेज होती है। अगर मैं मान ले रहा हूं कि किसी चीनी का मूल्य 100 रुपए है, आप कुछ भी मानोगे आंसर वही आएगा। अगर किसी चीनी का मूल्य 100 रुपए है और इसपे कह रहे हैं कि 25% की वृद्धि हो जा रही है, तो बाद में मुझे बताओ क्या 125 का होगा क्या? तो आपको भी हाँ, मैंने कहा कि अगर 100 से कोई चीज अगर 125 की हो जा रही है, इसका मतलब कितना बढ़ जा रही है? 25 रुपए। रुपीज की बात कर रहा हूं मैं। अगर कोई सामान 100 रुपए का है और बाद में 25% वृद्धि हो जा रही है तो वो 125 की हो जा रही है, तो यहां से आप देखोगे 25% का मतलब 25 ही रुपए होगा। आप यहां से निकालो ऐसे 100 का 25%, तो 100 का 25% का मतलब 100 × 25% का मतलब 25/100। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कितना आ गया, 25 रुपए, यही है ना। दूसरी चीज, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मुझे अपनी खपत कितने की कमी करनी होगी जिससे खर्च समान रहे, मतलब पहले 100 रुपए खर्च होता था तो अभी भी 100 रुपए ही खर्च हो, तो आप ये कहेंगे कि 25 रुपए की चीनी बढ़ गई है तो हम 25 रुपए की चीनी को कम खाएंगे। सीधी सी बात है, रुपीज की बात कर रहा हूं। तो आप कहेंगे 100 रुपए की चीनी थी, 25 की बढ़ गई, 125 की हो गई। अगर मुझे 100 ही रुपए खपत करना है, 100 ही रुपए का खर्च करना है, तो आप कहेंगे 25 रुपए की चीनी मुझे इस बार कम खानी पड़ेगी ताकि मैं अपने खर्च पे समान रह सकूं। बात यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, 25 रुपए की चीनी आप बिल्कुल कम खाएंगे, लेकिन यहाँ पे पूछा है कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए, तो आप 25 रुपए अभी बताओ ना। तो परसेंटेज कैसे निकालते थे हम लोग, आपको ये बात शायद याद होगी, कल वाली क्लास में अगर आपने देखा होगा, मैंने ये बताया था आपको कि अगर परसेंटेज निकालना है तो आप जरा बताओ 25 रुपए कम करना है, मैंने कहा जितना ज्यादा या कम उसका ऊपर रखो। ये इस बात को ऐसे समझो कि जिसका परसेंटेज निकालते हैं उसको ऊपर रखते हैं। तो आपने कहा 25 ही रुपए की चीनी कम करनी है और उसी को परसेंटेज में पूछा है कितने परसेंट कम करनी है, तो 25 की कम करनी है, ये कहां से कम करनी है, तो यही बात आपको बेस को समझना पड़ेगा। अगर 25 रुपए की चीनी आप कम खाओगे, कहां से कम खाओगे, 125 रुपए से कम खाओगे ना, 100 रुपए से। यही पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर 100 रुपए से कम खाओगे तो चीनी का रेट और नीचे आ जाएगा। इस बात को ऐसे समझ लो कि अगर चीनी का रेट बढ़ गया, 125 हो गया, तो 125 से 100 पे लाने के लिए मुझे 25 कम करना पड़ेगा, तो नीचे क्या बन जाएगा, 125। अरे भाई अगर 125 रुपए कम करना है तो 125 से ही कम करोगे तभी तो 100 पे आओगे, तो 25/125 और गुणा कर देते हो आप परसेंटेज निकालने के लिए 100। 25 से 5 बार गुणा किया, 5 से 20 बार गुणा किया, आंसर कितना बना दिया, 20%। तो आप लोग के दिमाग में, जो लोग बिगनर हैं, जो लोग अभी स्टार्ट किए हैं, परसेंटेज पहली बार लिख रहे हैं, उनके दिमाग में ये चला होगा कि पहले 25% बढ़ गया तो 25% ही घटा होगा तभी आपका वैल्यू समान होगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब 25% बढ़ा था ना तो वो 100 का 25% था, अब 25% घटेगा तो 125 का 25% घटाओगे ना तो संख्या 100 नहीं आएगी आपकी, संख्या 100 से नीचे हो जाएगी, 96 तक चली जाएगी। इस वजह से अगर इसका 20% घटाओगे ना तब आप 100 पे आओगे। आपको मैं प्रूफ करके दिखा दे रहा हूँ, जैसे ये वीडियो में दिख रहा है कि नहीं, एक मिनट में देख ले रहा हूँ, एक्चुअली मैं ही हैंडल करता हूँ यहाँ से। चलो दिख रहा है, कोई है नहीं यहाँ पे, मैं अकेला वीडियो बैठ के बना रहा हूँ। तो यहां से आप देखेंगे, अगर मैंने ये बोला कि यहां से अगर 25% कम करूंगा तो आप देखो क्या होगा, 125 का आपने 25% निकालना है, 25/100। अभी किसी भी वैल्यू को मैं फ्रैक्शन पे नहीं ले रहा हूं,
तो आप कहेंगे यहां से आया चार से चार तीन सॉरी चार तीन बारह चार एक चार चार आठ चार पांच बीस तो 31 रुपए कम हो जा रहा है जो कि मुझे सिर्फ 25 रुपए कम करना था। मैंने कहा ये आंसर नहीं हो सकता इसलिए गलत है। अब एक बार 125 का 20% निकाल के देखो तो आपका आंसर होगा 25 20 पाँच सौ पांच से पचास पच्चीस पांच दो दस पचास पच्चीस आ गया ना। तो 125 का 20% जो होगा वो 25 के बराबर होगा। यहाँ पे ये गलती मत करिएगा कि अगर 25% बढ़ा है तो 25% कम कर दे इसका आंसर होगा। नहीं 16% सॉरी 20% बढ़ा है तो इसका मतलब ये नहीं कि 20% वापस पे आंसर आएगा। जैसे मैं खुद एग्जांपल ले रहा हूँ, पहले जैसे वैल्यू को चेंज कर दे रहा हूँ यहाँ पे, इसको 25 ना करके इसको 20 कर देते हैं। जो लोग पहले पढ़ चुके हैं कि दिमाग में आ गया होगा कि 16 से ही दो बटे 3 का आंसर आने वाला है। देखिए यहां पे मैं कर रहा हूं 20%। सवाल वही है। तो आपने कहा कि अगर मुझे करना है क्वेश्चन को तो मैं ये कहूंगा कि अगर 100 रुपए का सामान है, ये चीज मैं बार बार समझा रहा हूं लेकिन ये चीज आपको बार बार करनी ही है ऐसे बना के, तो 20 रुपए बढ़ गया, 20 रुपए बढ़ गया क्योंकि 100 रुपए पर 20% 20 रुपए तो कितना आ गया 120 रुपए। मैंने आपसे कहा कि कितना रुपए कम करना होगा खर्च में, तो आपने कहा 20 रुपए कम करना होगा। मैंने कहा रुपीस तक ये बात सही थी, परसेंटेज में ये बात बताओ तो आप कहेंगे 20 रुपए कम करना होगा, लेकिन सॉरी 20 रुपए कम करना होगा लेकिन ये कहां से कम करना होगा, तो आप कहेंगे 120 से। 100 से थोड़ी कम करना होगा, पहली बार जब बढ़ाए तब तो बेस 100 था, घटाओगे तो बेस आपका 120 होगा, इस वजह से नीचे 120 होगा और गुणा कर दिया आपने 100 से, 20 से काटा 20 6 से गया, तो देखो इसका ऑप्शन बड़ा सही रहता है 100/6% यह आंसर हो सकता है आपका, ऑप्शन ये मैच हो सकता है, या फिर 2 से काटने के बाद 50/3 ये भी आपका ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन कोई भी मैच हो सकता है। 3 से काटने पे आपने कहा 16/2/3% ये भी हो सकता है, जिनको नहीं काटना आता वो इस तरीके से काट के देख सकते हो 50 को 3 से, 13 कम 3 बचा 2 0, 3 6 18, 16/2/3%, 16/2/3% ये इसका आंसर 16.67 या 66% भी हो सकता है। तो ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चन को कर ले जाओ और ऑप्शन ही आपको ना पता हो कि ऑप्शन कौन सा होगा। इसका ऑप्शन ये भी हो सकता है, इसका ऑप्शन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सारी बातें हो सकती हैं। पिछले सुपर टेट में ऑप्शन ये दिया गया था, तो यहाँ पे समझिएगा हर चीज एक एक चीज को क्लियर करते हुए चलेगा। मेरा यही तरीका रहा है कि मैं किसी भी कॉन्सेप्ट को बताऊं, किसी भी चैप्टर को पढ़ाऊंगा, एकदम बेसिक से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, कहीं आपका कोई भी कॉन्सेप्ट स्लिप ना करे, कोई ट्रिक बताने की कोशिश नहीं करूंगा। इवन मैं अभी फ्रैक्शन से भी लगाने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं चाह रहा हूं कि आप जितना हो सके आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। फ्रैक्शन तो हूबहू होता है और मैं खुद कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा और सवाल की चेंजिंग करते हैं, उसके बाद सवाल आगे बढ़ते हैं। सवाल सेम लिया हूं फिर से, लेकिन सवाल पिछले में बढ़ोतरी से कमी आ रही थी, अभी कम हो रहा है चीनी का मूल्य, तो आपको खपत को और बढ़ाना होगा। खपत को और बढ़ाने का मतलब चाय ज्यादा पीने लगोगे, शुगर ज्यादा लेने लगोगे। चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से खपत में कितने प्रतिशत की कमी, कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी जाए, ठीक है, जिससे खर्च समान रहे। अभी वाले में आपकी चीनी का मूल्य घट रहा है तो आपकी खपत बढ़ेगी बढ़ेगी, क्योंकि मुझे खर्च को समान रखना है। पहले 100 रुपए की खरीदता था तो अभी भी 100 की खरीदूंगा, पहले 200 की खरीदता था तो अभी भी 200 की खरीदूंगा। चीनी कम मिलेगी या ज्यादा मिलेगी इस बात पे डिपेंड करेगा, अगर मूल्य बढ़ेगा तो चीनी मेरी कम मिलेगी, अगर मूल्य घटेगा तो मेरी चीनी अधिक मिलने लगेगी। इसका मतलब अगर मूल्य बढ़ा तो खपत मेरी कम हो जाएगी, अगर मूल्य घटा तो मेरी खपत अधिक हो जाएगी। सीधी सी कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। मैं टाइम वेस्ट न करके अपनी ये वाली बात पे आ जाता हूँ कि 100 रुपए का अगर सामान है और 20 की कमी हो गई है, इसका मतलब 20 रुपए घट रहा है, 100 रुपए पर हमेशा 20 ही रुपए आएगा, इस वजह से मैं 100 मानता हूँ, क्या हो जाएगा 80 रुपए। अब 80 रुपए से आपने कहा वापस उसी रेट पे आना, मुझे खपत खर्च को समान रखना है, तो आपने कहा मुझे 20 रुपए की चीनी अधिक खानी पड़ेगी। यही पूछा है आपसे कि ये परसेंटेज में बताओ, जो 20 रुपए की चीनी अधिक खा रहे हो, तो आपने कहा 20 की चीनी अधिक खाया, कहां से अधिक खाओगे, अभी बेस कितना हो जाएगा 80, 80 से अधिक खाओगे तभी यहाँ पे आओगे, और गुणा कर दिया आपने 100 से, 20 चौके 80, 4 से कितना आया 25%।
तो उम्मीद करते हैं ये बातें तो आप समझ चुके होंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं आई होगी। देखो इसको फ्रैक्शन से करेंगे तो 2 से 3 सेकंड का सवाल खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अभी थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस में रहो। फिर तो मैं जब प्रैक्टिस एक बार कराऊंगा ना आपको, आप खुद देखना कि उसमें कोई बड़ी बात नहीं रह जाती है। जैसे आपसे ये बोला था ना इसका फॉर्मूला, जिनको ये बात आप सोच रहे हो कि मैं डायरेक्ट ये सवाल करना चाह रहा हूँ, एक तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 वाला एक होता है, वो आप लोगों को पता है, लेकिन मैं अभी उस पर नहीं आना चाह रहा हूँ। आप फॉर्मूला जितना लगाते हो उतना आपका दिमाग ब्लॉक हो जाता है, आप चीजों को समझने की कोशिश करो, लेकिन फिर भी मैं फॉर्मूला लिखवा दे रहा हूँ। एक्स प्लस वाई न लिख पा गई यहाँ पे, मैं आपसे ये वाला फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ। जैसे आपने बुक में देखा होगा परसेंटेज अगर बढ़त करना है, जैसे पहले वाले सवाल में कम कर रहा था, इस वाले में बढ़त कर रहा था, तो आपने कहा जब कभी भी परसेंटेज बढ़त, ये इस बात को कह सकते हो मैं किस तरीके से लिखवा दू। चलो परसेंटेज वृद्धि होती है ना, जब जब मूल्य में वृद्धि होती है, मूल्य में लिख दे रहा हूं, मूल्य में परसेंटेज वृद्धि होती है, तो आप कुछ नहीं कहते हो, आप ये कहते हो 100 बटे में 100 प्लस परसेंटेज जितनी वृद्धि होती है और गुणे। सो वही काम कर रहा हूं जो यहां पे, अगर ये मूल्य में परसेंटेज की कमी होगी तो आप ये कहेंगे 100 बटे में 100 माइनस परसेंटेज कमी और गुणा कर दोगे आप 100 से। आप समझ चुके होंगे ये फॉर्मूला कहां से आ रहा है, ये यहीं से आ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है आपने समझने में। अब इस सारी चीजें आपने देख ली, ठीक है, मैं एक बार फिर से पहले क्वेश्चन पे आने की कोशिश करता हूँ, ये भी टाइप। अब एग्जाम में कैसे करना होगा इस क्वेश्चन को, आपने कहा कि जो पहला क्वेश्चन था अपना वो ये था कि किसी वस्तु में 25% की वृद्धि हो गई तो कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे आपका खर्च समान रहे। तो आपने कहा 25 को तो ऊपर ही रखना पड़ेगा, लेकिन एक बात मुझे बताओ, बढ़ गया है तो फिर घटाना है, तो आप जो बढ़ गया तो वहां से बढ़े हुए से घटाओगे तो यानी वहां हो जाएगा 125 और गुणा 100, यहां से निकालेंगे 20% आएगा। दूसरा क्वेश्चन मैंने ये लिया था कि किसी वस्तु में 20% की वृद्धि हो गई तो कितने परसेंट की कमी कर दे जिससे आपका खर्च समान रहे। तो आपने कहा 20 की वृद्धि हुई ये तो ऊपर ही रहेगा, वृद्धि हो या कमी हो ये ऊपर ही रहेगा। अब वृद्धि होगी तो 120 से हो गई होगी और गुणा कर दिया आपने 100 से। तीसरा क्वेश्चन ये था कि अगर 20% की कमी, तो आपने कहा 20% की कमी ये भी ऊपर रहेगा, 20 क्या रहेगा ऊपर रहेगा, लेकिन एक बात समझना 20 से कम हो गया तो कम वाला क्या हो जाएगा नीचे 80 और गुणा कर दिया आपने 100 से। तो ये चीज आप प्रैक्टिकली समझो, ये चीज मैं इसलिए अब बता रहा हूँ क्योंकि आपने ये चीज देख ली, अगर ये चीज आप थोड़ा देर के लिए स्लिप कर जाते हो, ये फॉर्मूला भूल जाते हो, तो आपको कॉन्सेप्ट याद रहेगा कि यहां से ये चीजें आती है। ये चीजें 5 से 6 वाला 5 से 4 करके भी कर सकते हो रेशियो से, लेकिन अभी आप बात को समझो, अभी सवाल को ऐसे करो। हाँ ये सवाल कभी कभी लंबाई चौड़ाई पे भी आ जाता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे वो सवाल मैं लिख दे रहा हूं पहले। जैसे ये क्वेश्चन देखेंगे आप, इसकी लैंग्वेज अलग जरूर है लेकिन सवाल वही है जो फर्स्ट टाइम मैंने लिया था, एग्जैक्टली वही सवाल है, एग्जैक्टली वही आंसर भी इसका आएगा। किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी जिससे उसका खर्च यानी होगा क्षेत्रफल होगा एरिया, जिससे उसका क्षेत्रफल समान रहे। तो सवाल कुछ अलग नहीं है, आप इस सवाल को ऐसे भी आयत बना के भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे करने का कोई मतलब नहीं है। एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 में भी ये सवाल किया जा सकता है। कुछ दिन के लिए आप मानोगे कि ये लंबाई है और ये चौड़ाई है कि नहीं है, फिर आप कहोगे ये अगर मैं लंबाई को 20 मान ले रहा हूँ, इसको 10 मान ले रहा हूँ। देखो सवाल का लंबा प्रोसीजर हो जाएगा यहाँ पे, प्रोसीजर यहाँ पे लंबा ऐसे इसलिए होगा कि अगर आपने कहा लंबाई में 25% की वृद्धि हो गई तो अब इस 20 का 25% मुझे निकालना पड़ेगा, है ना। तो आपने कहा 20 का 25% निकाला आपने, तो 20 × 25 = 100, 25 × 4 = 20, तो 5 आ गया ना। तो पहले लंबाई कितनी थी, समझो बात को, पहले लंबाई कितनी थी 20 थी, अब वो लंबाई कितनी होगी 25 होगी। अभी पहले लंबाई 20 थी, अब लंबाई कितनी होगी 25 होगी। आपको चौड़ाई नहीं पता कितनी है क्योंकि क्षेत्रफल को समान रखना है। अब क्षेत्रफल समान रखने के लिए पहले क्षेत्रफल कितना था, तो आपने कहा 200 था, 20 लंबाई गुणे चौड़ाई 20 × 10 मतलब 200 था। तो अभी भी क्या 25 × x बराबर ही तो 200 होना चाहिए, अभी भी 200 होना चाहिए, और उसने बोला है कि जिससे क्षेत्रफल समान रहे, क्षेत्रफल पे फर्क ना पड़े। तो अगर ये ऐसे आप करते हो तो आप ये कहोगे x बराबर हो गया 200 / 25 और 25 से काटोगे कितना आ रहा है 8 आ रहा है। पहले चौड़ाई कितनी थी 10 थी,
पहले चौड़ाई 10 थी, बाद में कितनी हुई? 8 हो गई। मैं आपसे कह रहा हूँ कितने परसेंट की कमी हुई, तो आपने कहा 2 की कमी हुई। अब 2 की ये कमी हुई तो परसेंटेज आप कैसे निकालते हो? परसेंटेज ऐसे निकालते हो, 2 की कमी हुई तो 2 की कमी कहाँ से हुई? 10 से हुई, और गुणा कर दिया आपने 100 से, 0 से 0 कैंसिल आउट, आंसर कितना बनाया? 20%। ये एकदम कॉन्सेप्ट से मैंने चीजों को बताया। मैंने कहा कोई लंबाई कोई चौड़ाई मान लो, वहां से 20% बढ़ा के ये लिख दो 25%। इसका नहीं पता क्योंकि इसका गुणा बराबर इसी के आना चाहिए, अभी भी क्षेत्रफल, तो इसको बराबर किया आई कितनी चौड़ाई एक्स, सॉरी एक्स की वैल्यू कितनी है 8। तो आपने कहा पहले चौड़ाई मेरे सामने 10 थी, अभी कितनी हो गई? 8 हो गई। तो इसका मतलब पहले से 2 घट गई, 2 ही को परसेंटेज में आपको बदलना था, तो आपने कहा कि 2 घट गई, कहां से घट गई? 10 से, गुणा कर दिया आपने 100 से, यहां से निकल के आया 20%। मैं ये चीज आपको समझा रहा था, यही चीज कि अगर कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो पहली चीज अगर 100 मानते हो तो अगला 125 मानना पड़ेगा और 125 से कम करना पड़ेगा। ये बातें मैंने समझा दी है, लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि अगर 25 बढ़ा है तो आप कहोगे 25 बढ़ा है, परसेंटेज निकाल में डायरेक्ट हूं मैं ना, 25 बढ़ा है, लेकिन ये बढ़ा है तो वहां से घटेगा, यानी 125 से घटेगा, और आपने गुणा कर दिया 100 से, 25 5 से काटा, आंसर कितना आ गया? 20%। तो इस तरीके से भी सवाल को किया जा सकता है। एक फ्रैक्शन से भी वैल्यू होती है कि दो बार आप 4 से 5 करोगे वैसे भी आंसर आएगा, लेकिन आप ये वाला तरीका सीखो तो ज्यादा अच्छा होगा कि कितना बढ़ा, कहां से बढ़ा या घटा, और गुणा कर दो 100 से। ये बातें इमेजिन करना आसान इसलिए होगा कि मैंने इसको एरो से बताया, इसलिए ज्यादा आसान होगा। एक बार मैं आपको क्षेत्रफल में एक बार पहले कम करके बढ़ाने की कोशिश करता हूं, आप इस तरीके से सवाल को करके देखिएगा, सवाल का आंसर एग्जैक्टली मिल जाएगा। ठीक है, एक सवाल इस पे भी देख लेते हैं हम लोग कि अगर मान लेते हैं लंबाई कम कर दे तो चौड़ाई बढ़ाना पड़े, इसका रिवर्स, किसी आयत की लंबाई में 20% की कमी कर दी जाए तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की बढ़त करनी होगी जिससे क्षेत्रफल आपका समान रहे। वही सवाल है, पिछले सवाल में लंबाई बढ़ रही थी चौड़ाई को बढ़ाना पड़ रहा था, इसमें चौड़ाई घट रही है, इसमें लंबाई घट रही है, चौड़ाई को बढ़ाना पड़ेगा। तो आप क्वेश्चन को यहीं पे देखते ही ये क्वेश्चन डायरेक्ट कर देना, ये कहना कि 20 की बढ़ोतरी हो रही है या 20 की कमी हो रही है, 20 की बढ़ोतरी हो रही है या 20 की कमी हो रही है, ये कहां से हो रही है? तो आपने कहा कमी हो रही है, कमी हो रही है मतलब 100 से 80 हुआ होगा। फिर से इमेजिन कराने की कोशिश करता हूँ, 100 से वो चीज 20 कम होने के बाद 80 हुई होगी, तो 80 से फिर आगे 100 होगी, इसका मतलब नीचे क्या हो जाएगा? 80। इस बात को अगर कम है तो नीचे कम लिख दिया करो, अगर कमी है तो नीचे कम लिख दिया करो 100 से, अगर 20% की वृद्धि है तो 20 ज्यादा 100 से लिख दिया करो 120। इस बात को ऐसे भी याद कर सकते हो। तो 20 चौके 4 से काटा, आपने आंसर कितना बनाया? 25%। तो ये बात उम्मीद करते हैं खपत वाली बातें आप समझ चुके होंगे, ये खपत के एकदम बेसिक क्वेश्चंस थे। अगली वीडियो में जब हम लाएंगे खपत के अच्छे क्वेश्चंस लाएंगे, यहां से आपका परसेंटेज शुरू होता। पहली वीडियो जो पहली और दूसरी वीडियो थी वो एकदम कॉन्सेप्ट पे मैंने बताया था, तो अगली जो वीडियो होगी वो खपत पे होगी, लेकिन खपत के वो सारे अच्छे क्वेश्चंस लेंगे जो एग्जामिनेशन में आ चुके हैं या एग्जामिनेशन में आने की उम्मीद है। ठीक है, आज के लिए चलिए इस वीडियो को बंद रखते हैं, और बंद रखते नहीं है, बंद रखेंगे तो आगे बहुत बंद हो जाएगी, अभी के लिए बंद करते हैं, आज के लिए इतना ही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।